जनता समाचार में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज। किसानों को मिला विपक्ष का समर्थन, मायावती ने भी किया भारत बंद का सपोर्ट। किसानों से मिलने आसिंधु बॉर्डर जाएंगे केजरीवाल। मोदी सरकार की जीत पड़ी बीजेपी पर भारी, बीजेपी के सहयोगी आरएलपी ने किया भारत बंद का समर्थन, गठबंधन पर भी खतरा। शिवसेना ने केंद्र सरकार को लिया आड़े हाथ, सामना में लिखा सरकार से नहीं संभल रहा किसान आंदोलन, सिर्फ टाइम पास हो रहा है। पीएम मोदी आज करेंगे आगरा मेट्रो का शिलान्यास, 2 साल में शुरू हो जाएगा मेट्रो का ट्रायल, ताजनगरी में रहेंगे सीएम योगी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की अहम बैठक आज, मीटिंग में मंदिर के सभी सदस्य होंगे शामिल, जल्द शुरू हो सकता है राम मंदिर की नींव खोदने का काम। इमरती देवी को भेजा सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस, पीडब्ल्यूडी इंजीनियर का हुआ तबादला, डगरा विधानसभा सीट से हार गई थी इमरती देवी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी में बड़ी बगावत, मंत्री राजीव बनर्जी ने साधा सरकार पर निशाना, कहा नेतृत्व का मजाक बनाने वालों को मिल रहा महत्व। कमजोर पड़ेगा समुद्री तूफान बुरेवी, तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में आज हो सकती है बारिश, केरल और लक्षद्वीप में भी हल्की बारिश की संभावना। पीफाइजर की वैक्सीन के साथ ब्रिटेन तैयार, 8 लाख लोगों को मिलेगी वैक्सीन। किसान आंदोलन के सपोर्ट में लंदन में लहराया खालिस्तानी झंडा, लगे मोदी सरकार हाय हाय के नारे। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर लगेगा ब्रेक, ओपेक ने उत्पादन बढ़ाने का किया फैसला, कच्चे तेल के उत्पादन बढ़ाने से ईंधनों में आएगी स्थिरता। टैक्सी बस एसोसिएशन किसान आंदोलन के समर्थन में आया, भारत बंद में शामिल होगा एसोसिएशन, 8 दिसंबर को किसान करेंगे भारत बंद। ये थी आज की ब्रेकिंग न्यूज, इंतजार करिए हमारी अगली खबर का, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। आप देख रहे हैं जनता के लिए, जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।